नेक्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग परसेंट एक्स, परसेंट एक्स के थ्रू आप रीड करोगे एनी टाइप्स ऑफ हेक्साडेसिमल इनपुट्स। बाय यूजिंग परसेंट एक्स फॉर्मेट स्पेसिफाई वी कैन रीड एनी टाइप्स ऑफ हेक्साडेसिमल इनपुट वैल्यूज। अगर आपने परसेंट एक्स स्मॉल फॉर्म में पास किया देन डेटा या हेक्साडेसिमल डिजिट ए टू एफ रीड करोगे एज ए स्मॉल लेटर्स। अगर परसेंट एक्स कैपिटल केस में पास किया, अपर केस में पास किया देन आप रन टाइम पास करोगे ए टू एफ एज ए अपर केस। लेट्स सी, वी आर एक्सेसिंग राइटिंग सम कोड हियर। इसके अकॉर्डिंग प्रेस करें सम डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, इनपुट वन इनपुट टू, सारे के सारे इनपुट किसके अकॉर्डिंग रीड कराना है, अकॉर्डिंग टू परसेंट एक्स मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट कोड। वी आर एक्सप्लोरिंग जस्ट दैट कोड इन हेयर बिकॉज फॉर रिप्रेजेंटिंग फॉर टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यू मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए आप एज्यूम कर सकते हो मीन्स डेटा के फॉर्म में रीड हो रहा परसेंट एक्स के फॉर्म में लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट थ्री इनपुट्स। सेम एज डेटा जब डिस्प्ले करें स्टोर किस फॉर्म एक्स वाई जेड वी आर डिक्लेयरिंग फोर वेरिएबल्स है लाइक एक्स वेरिएबल लाइक वाई वेरिएबल लाइक जेड एंड वैल्यू ऑफ डी। लेकिन ये रिजल्ट डिस्प्ले किसके थ्रू करा है यूजिंग परसेंट डी, वी आर डिस्प्लेइंग जस्ट फोर वैल्यूज डी ऑल्सो वन मोर टाइम्स परसेंट डी एंड परसेंट डी लाइक दैट। इन दैट के फर्स्ट वन रीड क्या करेंगे 10, 10 किस में साइन होगा लोकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स, लेकिन 10 कंसीडर क्या हो रहा है इस केस में अकॉर्डिंग टू परसेंट एक्स हेक्साडेसिमल वैल्यू मीन्स बेस 16। जस्ट इसको जब डिस्प्ले कराएंगे एक्स के वैल्यूज को बाद में तो इसका रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ इन द डिस्प्ले किस फॉर्म हो रहा परसेंट डी के थ्रू डेटा डिस्प्ले कर मीन्स बेस 10, तो रिक्वायर्ड क्या है बेस 10। तो 10 के अकॉर्डिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 0, रिजल्ट क्या है इस केस में 0 प्लस 16, देयरफॉर रिजल्ट इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है 16। मीन्स रियल में एक्स और वाई जेड के अंदर वैल्यू बाइनरी फॉर्म में स्टोर हुआ, लेकिन मैं इस केस में डायरेक्टली आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करूँ एक्स के रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या प्रिंट होगा वैल्यू है 16। नेक्स्ट टाइम 20 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कन्वर्जन क्या हुआ 32। सेम एज 30 के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगा एज अ 48। टोटल तीनों के तीनों इनपुट्स कैसे हैं वैलिड बिकॉज हेक्साडेसिमल केस में वैलिड इनपुट्स क्या हैं 0 टू 9 ए टू एफ डिजिट्स एंड प्लस माइनस लाइक दैट। हियर वी आर एंटरिंग वैलिड डिजिट्स देयरफॉर इस केस में रीड कितने आर में सक्सेसफुली 3 आर में रीड हो रहा है इसलिए फाइनली प्रिंट स्कैनफ फंक्शन इस केस में रिटर्न क्या करेगा 3, देयरफॉर दिस 3 इज असाइंड टू द डी। इन दैट केसेस इनपुट के रिस्पेक्ट में डी का वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ 3। फॉर नेक्स्ट इनपुट, नेक्स्ट इनपुट के केस में अगेन प्रेस किया 789 का इक्विवेलेंट डेसिमल भी क्या आएगा मीन्स हेक्साडेसिमल और डेसिमल दोनों केस कैसे हैं एग्जैक्टली सेम, देयरफॉर डिस्प्ले क्या होगा 789 सक्सेसफुली अगेन कितने इनपुट्स रीड हुए हैं 3 इनपुट्स। नेक्स्ट वन 5 के केस में आपके 5 भी क्या है वैलिड इनपुट, 9 इज ऑल्सो वैलिड हेक्साडेसिमल इनपुट, बट ए के केस में बात करें ए का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगा 10। फाइनली ए के केस में क्या डिस्प्ले होगा 10, ए इज ऑल्सो वैलिड इनपुट फॉर हेक्साडेसिमल नंबर्स, देयरफॉर रिजल्ट इज अगेन सक्सेसफुली कितने आर्गुमेंट्स रीड हुए 3 आर्गुमेंट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डी इज डिस्प्लेड एज 3। नेक्स्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 इज वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, वैल्यू ऑफ बी, बी के केस में क्या पास किया ए बी, बी के केस में इनपुट डिजिट्स क्या हैं सॉरी वाई के लिए इनपुट डिजिट्स क्या हैं ए बी, ए इज इक्विवेलेंट टू 10 बी इज इक्विवेलेंट टू 11 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1 160 प्लस 11 क्या आएगा 171। इस केस में फाइनली वैल्यू क्या आसान हुआ वाई के केस में 171 मीन्स इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए बी इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज 171। नेक्स्ट वन ए टू, अगेन ए टू के केस में कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट टाइम ए एंड टू, ए की बात करें ए बी कैसा डिजिट है वैलिड हेक्साडेसिमल, सेम एज टू की बात करें टू इज ऑल्सो वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट देयरफॉर ए मीन्स 10 टू मीन्स 2 10 मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 0 इज 1 क्या आएगा इस केस में अगेन 160 प्लस 2 162 अब वैल्यू ऑफ जेड इज
162. नेक्स्ट वन अगेन टोटल सक्सेसफुली कितने प्रोसीड हुए हैं, वैलिड वैल्यू फॉर एक्स, वैलिड वैल्यू फॉर वाई, वैलिड वैल्यू फॉर जेड, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डी इज ऑल्सो असाइंड एज अ 3. नेक्स्ट वन ए, एक्स के केस में क्या रीड हो रहा है, 5 मींस वैलिड. वाई के केस में वैलिड डिजिट्स क्या है, ए टू, एज वी सीन वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ ए टू इज 162, लेकिन एच के एच केस में इनवैलिड डिजिट्स. तो इस केस में रीड क्या हो गया, ए टू, ए टू मीन्स 162. तो वाई के केस में क्या साइन हुआ, 162, ड्यू टू एक्स एच इज अ इनवैलिड डिजिट्स, देयरफॉर इट विल स्टॉप देयर वर्किंग, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू रीडेड फॉर जेड. इस केस में जेड के केस में क्या होगा, इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज समथिंग लाइक दैट. देन सक्सेसफुली कितने आर्गुमेंट सीड हुए लास्ट इनपुट के लिए, ओनली 2, 5 एंड 162, देयरफॉर रिटर्न वैल्यू इज, इट विल रिटर्न एज 2, देन 2 इज असाइंड टू द डी. फाइनली इस केस में रिजल्ट का डिस्प्ले हुआ ऑल्सो 2.